हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ए मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन सो लेट्स स्टार्ट नाइट्रोजन साइकिल अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन एक बहुत ही प्रचलित एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन इज अ कॉन्सिटेंट ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स हॉर्मोन्स क्लोरोफिल्स एंड मैनी ऑफ द विटाम्स नाइट्रोजन बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स हारमोन्स क्लोरोफिल्स और कई विटामिन में भी पाया जाता है प्लांट्स कॉम्पीट विद माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन प्लांट्स माइक्रोब के साथ कॉम्पीट करते हैं लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए जो कि सॉयल में प्रेजेंट होती है दस नाइट्रोजन एंड लिमिटिंग न्यूट्रिय फॉर बहुत नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम इस प्रकार जो नाइट्रोजन है वो एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट होती है नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम दोनों के लिए नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम्स ज्वाइन बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म form, फॉर्मेशन करके द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया स्टम नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन का कन्वर्जन जब अमोनिया में होता है तब उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नेचर में जो लाइटनिंग और यू वी रेडिएशंस होती हैं वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड करा देती हैं नाइट्रोजन को कि वो कन्वर्ट हो सके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में जैसे कि एनओ एनओ टू एन टू ओ इंडस्ट्रियल कम्बसन फॉरेस्ट फायरस ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ एटमोसफेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इंडस्ट्रियल कम्बशन फॉरेस्ट फायरस ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन ये भी सोर्सेज होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की को फॉर्म करने के लिए डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लाट्स एंड एनिमल्स इंटू अमोनिया इस कॉल्ड अमोनीफिकेशन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डेड प्लान एनिमल्स की ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन होना अमोनिया में अमोनीफिकेशन कहलाता है सम ऑफ दिस अमोनियाज एंड री एंटर्स दी एटमोसफेयर बट मोस्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड नाइट्रेट बाई सॉयल बैक्टेरिया कुछ अमोनिया बोलाटाइल हो जाती है और कुछ री इंटर कर लेती है एटमोसफेयर में दोबारा लेकिन ज़्यादातर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है सॉइल सॉयल में जो बैक्टेरियाज प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू अमोनिया इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट नाइट्रोजोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस अमोनिया सबसे पहले ऑक्सीडाइज होती है नाइट्राइट की फॉर्म में नाइट्रोजोनाज या फिर नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ ए वैक्टेरियम नाइट्रोवेक्टर फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होती है नाइट्रोवेक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से दीज स्टेप्स आर कल्ड नाइट्रिफिकेशन एंड दीज नाइट्रीफाइंग इन स्टेप्स को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और जो बैक्टीरियाज हेल्प कर रहे हैं इनको ऑक्सीडाइज करने में उन्हें हिमो ऑटोट्राप्स कहते हैं द नाइट्रेट दस फॉर्मड इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स नाइट्रेट जब फॉर्म हो जाती है उसके बाद प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करी जाती है और लीव्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है इन लीब्स इट इज रिड्यूज टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स द अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स लीब्स में ये रिड्यूज हो जाती है और अमोनिया फॉर्म कर लेती है और बाद में यही अमा, जो अमोनिया होता है ये अमीनो एसिड्स के लिए अमाइन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है नाइट्रेट प्रेजेंट इन दॉयल इज ऑल्सो रिड्यूज टू नाइट्रोजन वाई द प्रोसेस ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट जो सॉइल में प्रजेंट होती है वो रिड्यूज होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू डी नाइट्रिफिकेशन इज कैरी ना दॉजिकल नाइट्रोजन वेरी फ्यूंगा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल एविडेंटली इन द एयर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को यूज करते हैं एंड टू की फॉर्म में जो की एयर में अवेलेबल होती है ओनली सर्टन प्रो कैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज ही कैपेबल होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन का रिडक्शन होना अमोनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है द एंजाइम नाइट्रोजिनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजनेस एंजाइम जो कि जिसमें क्षमता होती है कि वो नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट कर सके वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है सच माइक्रोब्स माइक्रोब्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सर फिक्सर्स फिक्सर्स ऐसे microbes को nitrogen कहते हैं द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं वो या तो फ्री लिविंग होने चाहिए या तो वो सिम्बायोटिक होते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स माइक्रोब्सर एजेटोवेक्टर एंडिया

एटमोस्पेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डी नाइट्रीफिकेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल एन टू फिक्सेशन से अमोनिया बनती है अमोनिया फिर नाइट एनओ टू माइनस में कन्वर्ट होती है फिर उससे एनओ थ्री माइनस एनो थ्री इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्ट एनओ थ्री माइनस में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को और एन टू जब डी नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू एनओ थ्री माइनस में आती है एनओ थ्री माइनस सॉइल के थ्रू प्लांट्स में जाती है प्लांट्स एनिमल के बायोमास में फिर अमोनफिकेशन होता है फिर से अमोनिया बन जाती है कुछ तरीके की सिम बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन जानी जाती हैं मोस्ट प्रोमिनेट एमगेम लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप जिसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप है स्पीसीज ऑफ रॉड सेफ्ड राइजोबियम हैज सच रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स सच एज अल्फा अल्फा स्वीट क्लोवर स्वीट पी लेंटिल्स गार्डन पी ब्रॉडवीन क्लोवर वीन्स एटसेट्रा रॉड सेफ्ड राइजोबियम कि जो स्पीसीज हैं उनमें कुछ रिलेशनशिप होती है रूट्स के साथ में कुछ लेग्यूम्स की रूट्स के साथ में जैसे कि अल्फ़ा अल्फा स्वीट क्लोवर स्वीट पी लेंटिल्स गार्डन पी ब्रॉडन वीन्स क्लोअर वीन्स एट्सेट्रा मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट्स इज एज नोड्यूल्स जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होती है रूट्स में वो नोड्यूल होती है दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द रूट्स रूट्स पर छोटी छोटी आउट ग्रोथ हो जाती है उन्हीं को नोड्यूल्स कहते हैं द माइक्रोव फ्रेंकिया ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिकसिंग नूडल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लाट्स एग्जाम्पल एलस जो फ्रेंकिया माइक्रोव होता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नूडल्स को प्रोड्यूस करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पे, जैसे कि एग्जाम्पल है एलनस का बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकिया इन सॉइल सॉयल में राइजोबियम और फ्रेंकिया दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं बट एज सिम्बिन बट एज सिम्बांट्स कैन फिक्स एटमोस्पेरिक नाइट्रोजन लेकिन एज अ सिम्बांट ये एटमोस्पेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अप रूट एनी वन प्लांट ऑफ अ कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लॉरिंग जो ऊपर की तरफ की रूट होती है किसी भी प्लांट की एक कॉमन पल्स की फ्लॉरिंग से पहले यू विल सी नियर स्पेरिकल आउट ग्रोथ्स ऑन द रूट तब आपको कुछ छोटी छोटी स्पेरिकल आउट ग्रोथ्स नजर आएंगी रूट्स के पास में इन्हीं को नोड्यूल्स कहते हैं इफ़ यू कट थ्रू दैम यू विल नोटिस दट द सेंट्रल पोर्सन इज रेड और पिंक अगर आप इन्हें कट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो सेंट्रल पोर्सन है वो या तो इनका रेड होगा या तो पिंक होगा दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लेग हिमोग्लोबिन ये जो पिंक या फिर रेड कलर की अपेयरेंस होती है ये लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होती है जिसे हम लोग लेग हिमोग्लोबिन भी कहते हैं अब बात करते हैं नोड्युलॉमेशन की

राइजोबियम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है और कोलोनाइज कर लेता है और रूट्स के सराउंडिंग को घेर लेता है पूरी तरीके से और अटैच हो जाता है रूट हेयर सेल्स सेल्स से और उनकी एपिडर्मल सेल्स से रूट्स की रूट हेयर्स कर्ल एंड द बैक्टीरिया इन द रूट हेयर रूट हेयर जब कर्ल हो जाती हैं तो बैक्टीरिया उन्हीं के रूट हेयर्स के अंदर चला जाता है एंड इन्फेक्शन थ्रेट इज प्रोड्यूसड कैरिंग द बैक्टीरिया इन टू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट वेयर द इनिशिएट द नोडिल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट अब Root hair के अंदर होने, जब बैक्टीरिया चला जाता है जहां पे नोडिल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है बैक्टीरिया रिलीज फ्रॉम द्रेड इन टू द सेल्स विच लेट्स टू द डिफ्रेंसिएल्स और फिर उसके बाद बैक्टीरिया जब रिलीज हो जाता है थ्रेड से सेल्स में तब डिफ्रेंशिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का कुछ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का डिफ्रेंशिएशन होता है द नोड्यूल दस फॉर्मड एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रियस इस तरीके से नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है और नोड्यूल एक डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेता है स्थापित कर लेता है होस्ट प्लांट के साथ में न्यूट्रिएंट्स के को एक्सचेंज करने के लिए नोड्यूल सभी जरूरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स को कंटेन करके रखती है जैसे कि एंजाइम नाइट्रोजिनस हो गया और लेग हीमोग्लोबिन हो गया मोलिविडन आयरन प्रोटीन एंड कटालाइज दोजन टू अमोनिया जो अंजाम नाइट्रोजनेस होता है वो मोलिविडनम आयरन प्रोटीन होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होती है उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये आप देख लीजिए फिगर शो किया गया है ये सोल के पार्टिकल्स हैं ये रूट हेयर्स निकल रहे हैं और ये बैक्टीरियाज हैं आसपास जिन्होंने घेर लिया उसके बाद जब ये रूट हेयर कर ली तो इसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज़ इन्वेड हो गए एंड एक इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन हो गई जिस और फिर ये इन्फेक्शन थ्रेड से कॉर्टेक्स में रूट के पहुँच गई और फिर एक नोड्यूल की फॉर्मेशन हो गई ये सोयाबीन में रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन शो करी गई है ये ध्यान रखिएगा ये एक रिएक्शन दे रखी है द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज हाईली सेंसिटिव टू द मोलिकुलर ऑक्सीजन जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस है वो हाईली सेंसिटिव होता है मोलिकुलर ऑक्सीजन के लिए इट रिक्वायर्स एनोरोबिक कंडीशन इस इस रिएक्शन को एंजाइम नाइट्रोजिनेस जो कि हाईली सेंसिटिव होता है मोलिकुलर ऑक्सीजन के लिए उसे अनोरूबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है द नोडल्स हैव एडेप्टन डेट इंश्योर दट द एजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्राम द ऑक्सीजन नोडल्स में वो अडेप्टशन होती हैं कि वो ये सोल्टी दे सके कि एंजाइम को उन्होंने ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कर रखा है टू प्रोटेक्ट दीज एंज द नोडुलटेंट्स एंड ऑक्सीजन स्केवेंजर कार्ड लेग हेमोग्लोबिन इन एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नोडुल्स कंटेंट करती हैं ऑक्सीजन स्केवेंजर को जिसे लेग हेमोग्लोबिन कहते हैं इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट दीज माइक्रोब्स लिव एज एरो लिविंग कंडीशन ये जो माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें अन एरोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ये फ्री लिंग कंडीशन में एज ए अरोबिक बैक्टीरिया भी रहते हैं वेयर नाइट्रोजनस इज नॉट ऑपरेशनल जहाँ पे जो नाइट्रोजनिस एंजाइम है वो ऑपरेशनल नहीं होती है बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स दे विकम एनरोबिक लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स के दौरान ये एनारोबिक बन जाते हैं दस प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजनस एंजाइम इस प्रकार ये नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं यू मस्ट है एबम रिएक्शन डेट दियां बाई नाइट्रोजनज रिक्वायर सा वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी दैट इज द एट ए टी पी पॉर फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम द रेस्परिएशन ऑफ द होस्ट सेल्स होस्ट सेल की रेस्परेशन से ये एनर्जी रिक्वायर ऑप्टेन करते हैं जो कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के लिए एट ए टी पी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही हाई इनपुट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन के लिए देखिएगा नाइट्रोजन एट इलेक्ट्रॉन्स प्लस एट एच प्लस के साथ में पिले रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के फॉर्म हो रहे हैं ये की लॉक हाइपोथेसिस दे रखी है स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होती है उसी के स्टेप्स दे रखे हैं ये एंजाइम नाइट्रोजेस को इन्होंने ये एक तरीके से की लॉक हाइपोथेसिस वाला आपने पढ़ा होगा बायो में बायो मोलिकुल्स चैप्टर में कुछ उसी तरीके की स्टेप्स हैं जैसे कि एंजाइम नाइट्रोजेज है सबस्ट्रेट के साथ में एन टू मोलिकल्स एटमोसफेयर के बाइंड हो जाते हैं देखिए फिर रिडक्शन होता है तो ये दो हाइड्रोजन आयंस भी ऐड हो जाते हैं फिर रिडक्शन हुआ तो दो और ऐड हो गए हाइड्रोजन है, आयंस मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो नाइट्रोजन के थ्री बॉन्ड्स बन रहे थे उन्हें हटा के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं फिर रिडक्शन होता है नाइट्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग कर देते हैं इस वजह से एनएच थ्री के दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन हो गए प्रोडक्ट रिलीज होता था और फिर से नाइट्रोजनज बैक्टीरिया फ्री हो जाता है वो दूसरे एंटी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करने लगता है अब बात करते हैं फेट ऑफ अमोनिया की एट फिजियोलॉजिकल पी एच द अमोनिया इज एन एच फोर प्लस आयंस वैल मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमुलेट नाइट्रोजन एज वेल एज अमोनियम आइंस द लेटर इसको टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड हिंस कॉन्ट एक्यूमुलेट इन दैम फिजियोलॉजिकल पी एच पे जो 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 अमोनिया वो प्रोटेनेट होकर एन एच फोर प्लस यानी कि अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कर लेती है जबकि ज़्यादातर प्लांट्स एसीमलेट करके रखते हैं नाइट्रोजन को एज अमोनियम आयंस की तरीके से द लेटर इस क्वॉड टॉक्सिक टू प्लांट्स इसके बाद ये थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाती है प्लांट्स के लिए इसलिए ये वहाँ पे इकट्ठा नहीं, नहीं होती है एक्ूमुलेट नहीं होती है प्लाट्स में अस नाउ सी हाउ हाउन प्लस इज यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स इन प्लांट अब हम देखते हैं कि कैसे अमोनियम आयन का यूज किया जाता है अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन करने के लिए सिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स में देर आर टू मेन वेज इन विच दिस कैन कंटेक्ट यहाँ पे दो रास्ते एक रिडक्टिव अमाइनेशन एंड ट्रांस अमाइनेशन न अमाइनेशन इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट्स विद एल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन गिवन विलो रिडक्टिव अमाइनेशन में अमोनिया रिएक्ट करती है एल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड के साथ में ग्लुटामिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेती जो है जो कि एक अमीनो एसिड है ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटरिक एसिड अमोनियामैन प्लस एनएडी पी एस मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंडजाइम की प्रेजेंस में जिससे ग्लूटामेट प्लस एस टू प्लस की फॉर्मेशन हो जाती है नाउ ट्रांसमाइनेशन इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड ट्रांसमाइनेशन में ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप का एक अमीनो एसिड से ग्रुप के कीटो एसिड में एसिड द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ एनेस्ट ग्लुटामिकसिड एक मेनो मेन अमीनो एसिड होता है जिससे ट्रांसफर होता है द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड्स आर फाउंड थ्रू ट्रांसमाइनेशन और ऐसे ही अमीनो ग्रुप ये जो है दूसरे अमीनो एसिड्स में फॉर्म हो जाता है एन एच टू के ट्रांसफर होने के कारण और ये ट्रांसमाइनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है दी एंजाइम ट्रांसमाइनज कटालाइज ऑल सच रिएक्शन जो एंजाइम ट्रांसमाइनज होता है वो कैटालाइज कर लेता है सभी रिएक्शंस को फॉर एग्जाम्पल अमीनो डोनर एंड अमीनो एक्सेप्टर ये देखिए यहाँ पे एक कीटो ग्रुप का एसिड बन गया द टू मोन द टू मोस्ट इम्पॉटेंट अमायट्स एसपेराजिन एंड ग्लूटामिन फाउंड इन द प्लाट्स आर ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीस दो मेन इम्पॉर्टेंट अमायट्स एसपेजिन और ग्लूटामिन जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं ध्यान रखिएगा एसपेराजिन एंड ग्लुटामिन दे आर फॉर्मड फ्राम टू अमीनो एसिड्स नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिकसिड एसपेराजिन एस्पार्टिक एसिड से फॉर्म होता है ग्लूटामिन ग्लूटामिकसिड से फॉर्म फॉर्म होता है बाई एडिशन ऑफ एन अदर अमीनो ग्रोप टू इच यहाँ पे दूसरे अमीनो ग्रुप का addition होता है, उससे इनकी फॉर्मेशन होती है दाइड इज रिप्ले लिखा हुआ जो हाइड्रोक्सल पार्ट होता है एसिड का उसे रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे एनएच टू माइनस रेडिकल से सिंस अमायड्स कंटें मोर नाइट्रोजन दैन दिन इस तरीके से अमायड्स ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट करते हैं अमीनो एसिड्स के कंपेरिजन में

जैसे कि सोयाबीन हो गए कुछ प्लांट्स के जो नोड्यूल्स में नोड्यूल्स में ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम होती है वो कुछ फिक्स नाइट्रोजन को भी एक्सपोर्ट करते हैं यूरिड्स के फॉर्म में सोयाबीन के प्लांट में एज अ यूरिड नाइट्रोजन जो फिक्स नाइट्रोजन होती है उसे एक्सपोर्ट किया जाता है और इन कंपाउंड्स का पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है नाउ दिस चैप्टर इज ओवर Thank you.